बात करते हैं अब हम यजुर्वेद की। तो यजुर्वेद के बारे में कहा जाता है कि इसमें यज्ञ संबंधी और पद्य बंध रहित मंत्र होते हैं। इसको दो भागों में शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद में बांटा गया है। इसके शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत स्वच्छ अर्थात शुक्ल का मतलब स्वच्छ होता है और व्याख्या विनियोग रहित की गई है, और कृष्ण यजुर्वेद में व्याख्या सहित इसका वर्णन किया गया है। इसकी शुक्ल की दो शाखाएं होती हैं और कृष्ण की चार शाखाएं। कुल मिलाकर शाखाओं की संख्या अगर बात की जाए तो 100 है।